अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। पाक विजन गुरु चैनल के अंदर आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं, कल से कराची के अंदर जो है बहुत ज़्यादा जो है तेज़ हवाओं का सिलसिला है, ठंड भी बढ़ गई है। तो जिसकी वजह से आज की जो हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कबूतर को जब सर्दी बढ़ जाए तो क्या दें, तो मैं आज वो देने लगा हूँ अपने परिंदों को। और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से देते हैं। ये मैंने अपने कुछ परिंदे खोल भी दिए, ये देख सकते हैं आप। टैडी का पेयर है, रामपुरी है, रामपुरी के अपना टैडी हैं और अंबर से रहे हैं 35 वाले सियालकोटी हैं। कुछ मेरे परिंदे ये रहे, कुछ ये रहे, इनको इंशाल्लाह आपको बाद में दिखाएंगे। आज मैं थोड़ा लेट हो गया, मेडिकल नहीं जा पाया, घर पे ही हूँ, तो मैंने अला वीडियो दिखा रहे हैं। सिर्फ शुगर के लिए कि वीडियो बना रहे हैं और कुछ आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें भी दिखाएंगे। तो चलते हैं आपके वीडियो की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कि अभी इनको आज क्या देना है जिससे ये सर्दी से बच सके। आज सर्दी से बचाने वाला टॉपिक है इनका, सर्दी से कैसे बचें। चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, शेयर और कमेंट लाजमी करिएगा मेरा भाई, लाइक ज़रूर करिएगा। देखें आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, ये देख सकते हैं आप। चलें हम वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये मीठी लकड़ी दालचीनी है ये, और ये अजवाइन है, ये गुड़ है, पुराना गुड़ है, ये आप लेकर आ जाएंगे। मेरे पास तो तकरीबन ये पानी है, देखें इस पानी को गर्म कर रहे हैं, कावा बना रहे हैं। तो मेरे पास तो तकरीबन आपका लफला करे कोई 100 के करीब परिंदे, तो मैं उनके हिसाब से बना रहा हूँ, लेकिन आपके पास जिस हिसाब से परिंदे हों उस हिसाब से बनाना है। तो जैसे कि ये मैंने ये दालचीनी ले ली, ये देखें ये मैंने दालचीनी ले ली इतनी, ये मैं इसमें डाल दूँगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अजवाइन है, इसकी सिर्फ ये एक चुटकी, एक चुटकी ये बहुत है, ये थोड़ी सी और ज़्यादा कर दी, डेढ़ चुटकी डाल दी। और ये गुड़ है, गुड़ को जो है गुड़ डालते, ये देखें ये गुड़ है, ये गुड़ हमने इसमें डाल दिया। अच्छा, इसके अंदर अभी मेरे पास चाय की पत्ती नहीं है, इसके अंदर चाय की पत्ती एक चम्मच आप वो डाल देंगे। और ये आपको पानी बना लेना है और अपने सारे परिंदों को दे देना है। जैसे कि ये परिंदे हैं, इनका देखें मैंने पानी निकाल के पहले से ही बाहर रख दिया था, तो इन सबको ये दे देना है। ये मेरे कुछ ब्रीडर पेयर हैं, ये टैडी का पेयर है, अपना यह अंबर सिरे हैं, अंबर सिरों का पेयर है, फीमेल वोरी। और ये देखें टैडी के बच्चे भी निकले हैं, ये टैडी के बच्चे हैं, ये मेरा चपड़ा पेयर है, ये बैठा हुआ है, उसके साथ मैंने 35 वाली फ़ीमेल लगाई हुई है। और ये मेरे कुछ पट्टी वाले पेयर हैं, मैं अभी न्यू लेकर आया था, ये आप देख सकते हैं। बाकी मेरे परिंदे इनका भी इंशाल्लाह मैं आपको शौक कराऊंगा। तो ये अभी आपने इनको कावा बना देना है और इस तरीके से इनको कावा देना है, जैसे कि ये अभी कावा बन रहा है हमारा, ये देख सकते हैं। ये मैंने इसमें कावा में बना के इनको देता हूँ, पूरी सर्दियाँ मैंने यही दिया इनको, और अल्लाह का शुक्र है मेरे किसी केज में बीमारी नहीं आई है। और मैं अपने परिंदों के अंदर जैसे कि बल्ब वल्ब लगाते हैं, बस मैं ये सिंपल एक चादर ढकता हूँ, ये भी इसको भी चादर रखता हूँ, इसको भी चादर रखता हूँ, पूरी सर्दियाँ ऐसे गुजरी हैं, अल्लाह का शुक्र है मेरे केज में कोई बीमारी नहीं है, सारे के सारे मेरे परिंदे एक्टिव हैं। परिंदों का शौक इंशाल्लाह मैं आपको फिर कभी कराऊँगा। ये मेरे पास तकरीबन टोटल माशाल्लाह ये 90 से ऊपर कबूतर हैं टोटल मेरे पास। कुछ पेयर मैंने खोले हैं ऐसे ताकि आप लोगों को वीडियो में दिखा सकूँ। बाकी ये पेयर हैं इनके, देखें ये सिल्वर बाजराई का पेयर है, इसने एक अंडा उतार दिया है। और ये मेरा मोतियों वालों का पेयर है, इसने भी एक अंडा उतार दिया, एक बेबी इनके साथ है। ये पट्टी वालों का पेयर लगाया मैंने एक, क्योंकि न्यू शौक है, ये भी एक पट्टी वालों का पेयर लगाया है, ये आप देख सकते हैं। तो ये मेरे पास कुछ परिंदे हैं, रामपुरी वगैरह हैं और दूसरी मुख्तलिफ ब्रीड्स हैं, मैंने अपने पास जमा करी हैं। तो इसी तरीके से आपने बनाना है। आज की वीडियो सिर्फ शुगर के लिए, कोई मतलब कि वो कोई उतना वो नहीं है। कल देखा था, कल आपने ये मेरा धूप जाले, अभी तो मैंने परिंदे नीचे सर्दी की वजह से नीचे कर दिए हैं। तो ये देखें ये कैसे ठापे मार रहे हैं, सर्दी का से नीचे कर, ये मेरा अड्डा, इस पे परिंदे बैठते हैं। और उड़ाने का शौक़ मेरा बहुत ही कम है, उड़ाता मैं नहीं होता ना, इसके अलावा बस मैं अपना ब्रीडिंग करवाता हूँ। ब्रीडिंग देखें माशाल्लाह अच्छी चल रही है, हर केज के अंदर हर बेबी के, हर किसी के साथ अपने अपने बेबी हैं। ब्रीडिंग सेटअप की भी मैं आपको एक बार वीडियो बना के इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बताऊँगा। तो ये मेरे परिंदे हैं। चैनल को जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक कर दें, शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि मुझे पता चले आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से परिंदे सारे के सारे एक्टिव हैं। पूरी सर्दी मैं इनको कुछ नहीं दिया, सिर्फ यही कावा बना के दिया, जिस दिन सर्दी ज़्यादा हो जाए उस दिन कावा दे दिया करता था। अब कल देख रहे ठंडी हवाएँ चल रही थी, कराची का मौसम आपको पता कैसा बदल गया। और ये केज जो है मेरा यह केज, ये मेरा ऊपर रखा हुआ था इसके बराबर में, तो यह कल रात को मैंने ये केज अपना नीचे कराए ताकि ये अपने परिंदे सेव रहें, केज भी कहीं गिर ना जाए, क्योंकि ऊपर बाउंड्री नहीं है मेरे पास। ये मेरे सारे परिंदे हैं,
इनके बेबी हैं। इसमें कुछ सेल वाले भी हैं, इंशाल्लाह सेल वालों की भी वीडियो बनाएंगे। और ब्रीडिंग पेयर भी मेरे पास बहुत अच्छे, जैसे कि सामने देखें आप, ये 35 वाला बैठा हुआ है सामने बिल्कुल, ये देख सकते हैं आप। तो इसी तरीके से ब्रीडिंग चल रही है। पानी इनका जिस दिन इनको कावा देना उस दिन आपने पानी हटा लेना है, और इनको पानी आप ये वाला देंगे जो मैं बना रहा हूँ अभी, ये गुड़ वाला पानी देंगे इनको, ये कावा देंगे। इससे इनकी ये है कि इनकी गर्मी बरकरार रहेगी, गर्मी जो इनको है इनके अंदर एक हीट रहेगी और ये सर्दी से बचे रहेंगे। इस तरीके से आपने ये देना है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सबको पसंद आएगी। दोस्तों इसी तरीके से आपने सबको देना है। अभी जो आगे मैं वीडियो बनाऊंगा, अभी मैं इनको जो परिंदों को दूंगा, अभी कावा तैयार हो रहा है हमारा, कावा तैयार हो जाएगा तो फिर मैं परिंदों को दूंगा, फिर मैं आपको कंटिन्यू करूंगा। वीडियो को चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट भी ज़रूर करके बताइएगा। आप देख सकते हैं ये सारे मेरे परिंदे। आज मैं अपने घर पर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेडिकल में लेट हो गया, तो छोटा भाई चला गया, अभी मैं मेडिकल जाऊँगा। इंशाल्लाह कोई न्यू वीडियो लेकर आऊँगा आपके पास, और मुझे बताते रहिएगा। ये मेरा सेटअप है, ये बहुत से भाई बोल रहे थे कि अपने आपके पास परिंदे है भी या नहीं है, तो भाई ये मेरे परिंदे, ये मेरे अपने परिंदे हैं, और ये देख सकते हैं ये मेरे अपने परिंदे हैं, किसी और के नहीं है। बहुत से भाई ने बोला था कि आपके पास परिंदे तो है नहीं, आप वीडियोस बना रहे हो, तो ये मेरे अपने परिंदे हैं भाई, घर के हैं ये मेरे घर, ये देख सकते हैं। मेरे पास तकरीबन माशाल्लाह से अल्लाह के करम से 100 के करीब परिंदे हैं, और ये आप सारे देख सकते हैं। इसके अलावा इंशाल्लाह मैं आपको जब अभी कावा इनको बना कर दूँगा, फिर मैं आपको वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये कावा मैंने इनमें निकाल लिया और ठंडा हो चुका है। चले हम अपने परिंदों को देते हैं, और मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ कि ये कैसे पियेंगे। सॉरी इसका, तो चले मैं पहले सबको दे देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखें दोस्तों, हमने सबको दे दिया और सब पी भी रहे हैं, वो देखें वो पी रही है। इन लोगों ने तो पी लिया है, इन्होंने भी पी लिया, इन्होंने बच्चे भराने थे, इसने भी पी लिया। ये देखें ये बच्चे भी अभी पियेंगे, ये देखें वो पी रहे हैं। इस तरीके से आपने एक कावा बना के इनको देना है। अच्छा, अजवाइन जो है थोड़े कम डालनी है ताकि पानी में स्मेल ना आए, ताकि ये आराम से पी लें। ये देखें अपने बच्चों को भरा रहे हैं ये। अच्छा, इनको भी अभी देना है, इनका मैंने ये निकाल के रखा हुआ है, ठंडा नहीं हुआ ये अभी ठंडा हो जाए तो फिर ये देते हैं। इसी तरीके से इनको भी देंगे। ये देखें ये भी मैंने बना के रखा हुआ, ये ठंडा नहीं हुआ, ये तो थोड़े खुले हुए रखे हुए थे तो ठंडे हो गए, अभी ठंडा हो जाए तो इनको भी देंगे। दोस्तों इसी तरीके से सबको ये आपने देखें, ये मैंने कावा दे दिया है अपने इन सब परिंदों को। आपने इसी तरीके से कावा देना है क्योंकि आज ठंड हो गई थी रात में, आपको पता है हवा तेज़ थी तो सर्दी हो गई थी, तो इस वजह से मैंने आज इनको ये कावा दे दिया ताकि अब ये अपनी गर्मी को बहाल कर लेंगे और ये पूरे दिन सेफ रहेंगे। इनको मैंने अभी नहीं दिया, इनका पीछे ठंडा हो रहा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो सिर्फ शुगर के लिए बनाई थी, लेकिन इसके अंदर एक टॉपिक भी मैंने ले लिया, मतलब चलें एक टॉपिक भी ले लें ताकि भाइयों को आसानी हो जाए। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो इंशाल्लाह अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।